इसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना है और इस प्रयास में आप सबका सहयोग सरकार को चाहिए। दूसरा, पेयजल की जो समस्या यहां की थी, अक्सर मनीष सजिता जी, हमारे माननीय विधायकगण, ये सभी लोग इस बात को कहते थे कि पेयजल की समस्या का समाधान हो जाए, गंगा जल यहां भी मिल जाए। वह बहुत जल्दी इस पूरे जनपद को हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं, क्योंकि पेयजल के लिए सरकार ने और भारत सरकार ने भी जो तय किया है, हमने उन सभी जनपदों को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और उन जनपदों को जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं, जो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपद थे, बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र के वे जनपद जहां पर भीषण पेयजल का संकट जनवरी फरवरी से प्रारंभ हो जाता था, उन सभी जनपदों को हम लोगों ने भरपूर धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की है और फिरोजाबाद जनपद के प्रत्येक नागरिक को भी बिना भेदभाव के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने की कार्रवाई सरकार करेगी। इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ आपके सामने हैं और कुछ आने वाले समय में आपके सामने युद्ध स्तर पर इन कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा करके हर घर नल की योजना ले जाकर के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, फिरोजाबाद की पहचान बहुत सारे लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया होगा, लेकिन आज आपके जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण पूरी मजबूती के साथ मत करके फिरोजाबाद के विकास के समग्र विकास की चिंता करते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिया और भारतीय जनता पार्टी का सांसद फिरोजाबाद में भी चुना गया, आगरा में भी चुना गया, अन्य आसपास के सभी जनपदों में चुने गए और उसका परिणाम क्या था? इस देश के अंदर आतंकवाद की पर्याय बन चुकी, देश के लिए देश की एकात्मता को चुनौती देने वाली संविधान की धारा 370 जिसको 70 वर्ष लग गए समाप्त करने की लालसा देखते देखते न जाने कितने लोग गुजर गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन धारा 370 लागू होने के 70 वर्ष के बाद भारत माता का एक यशस्वी लाल इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय का परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त कर देना। ये कार्रवाई वहीं के लिए बढ़ रही है। हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी आतंकवाद के मार्ग में घुस करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई भी भारत की सरकार करेगी। मोदी जी ने साबित फिर से कर दिया है। मैं सचमुच अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने आतंकवाद की पर्याय बन चुकी, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक बन चुकी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने का बीड़ा उठाया और आज जम्मू कश्मीर के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हिस्सा बनाया है। ये सचमुच एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। ये कार्रवाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने वाला, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला निर्णय है। हम सब अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।
भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या यह धारा 370 समाप्त हो पाई होती? क्या कांग्रेस करती? क्या सपा करती? क्या किसी अन्य दल से आप उम्मीद करते हैं? इनसे कोई उम्मीद की ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो देश की कीमत पर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति होगी, और मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, उस अभियान का हिस्सा है धारा 370 का जम्मू कश्मीर से समाप्त होना। अब अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए आपको आतंकी साये में नहीं जाना होगा। अब आप जैसे कावड़ यात्रा अपने यहां निकालते हैं, ऐसे ही अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए ही स्वतंत्रता आपको भी प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, दूसरा कार्य, नारी गरिमा की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले बेची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान प्रारंभ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के बाद प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को एक एक शौचालय दिया। ये शौचालय, ये इज्जत घर, ये केवल एक शौचालय मात्र नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य का रक्षक भी है और साथ साथ नारी गरिमा की प्रतीक भी है। ये कार्य जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, प्रदेश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य विगत 5 वर्ष के दौरान हुआ, और उसमें भी 2 करोड़ 60 लाख शौचालय विगत 2.5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के गरीबों को दिए। तो वहीं एक और नई कड़ी नारी गरिमा के लिए छोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने तय किया कि 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए तलाक देकर के हमेशा के लिए समाप्त कर देना। ये 3 तलाक की प्रथा मुस्लिम देश नहीं मानते, उन्होंने कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस सपा और अन्य दल थे जो लोग नारियों का अपमान करते थे, मातृशक्ति का अपमान करते थे, 3 तलाक का समर्थन करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, नारी गरिमा का सम्मान होना चाहिए और 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। और ये उसी क्रम में उठाया गया एक महत्वपूर्ण फैसला था, जिस फैसले के बाद अब अगर कोई कुवैत में रहकर के, अरब की किसी देश में रहकर के भारत के अंदर किसी मुस्लिम महिला को तलाक देने का कार्य करेगा तो पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के जेल के अंदर भेजने का कार्य भी करके नारी गरिमा का सम्मान की रक्षा भी करेगी। यह भी एक नया निर्णय भारत सरकार ने इस दौरान लिया है। भाइयों बहनों, किसान कितना परेशान होता था, मुझे याद है, किसान पहले तो आलू पैदा करने वाला किसान, धान और गेहूं पैदा करने वाला किसान सरकार खरीदती नहीं थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सबसे पहला काम तो किया लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने की कार्रवाई। हम लोगों ने आने के उसके तुरंत बाद कार्रवाई की कि किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देकर के खरीदने की कार्रवाई। और जब हमारी सरकार ने कार्य आगे बढ़ाया, पहली बार प्रदेश में धान गेहूं मकई आलू तिलहन दलहन इन सब को व्यापक पैमाने पर खरीदने की कार्रवाई भी सरकार ने किया, और उसका परिणाम था कि 2.5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कहीं भी किसी किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, क्योंकि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिला। और आज उसका परिणाम है किसान मजबूती के साथ सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसी श्रृंखला का एक नया हिस्सा था। हर किसान को चुनाव के पहले फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि लघु और
चुनाव परिणाम जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता सुखी भव के नारे के साथ हम अपने अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए सभी किसानों को इसके साथ आच्छादित करेंगे। 6,000 रुपए हर किसान को सालाना देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जो किसान अभी इस योजना से आच्छादित नहीं हो पाया है उनको तत्काल इसमें इनरोल करके उन्हें भी इस योजना से लाभ दिया जाए, जिससे कोई किसान वंचित न रहने पाए। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं जिन्हें मिल गया है उन्हें बधाई, और जिन्हें अभी प्राप्त नहीं हुआ है उनको भी हम इस वर्ष के अंत तक इसको दिलाने की कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, विकास कैसे होना चाहिए? क्या विकास की कोई जाति होती है? विकास का कोई क्षेत्र, कोई मत और कोई मजहब होता है? नहीं, विकास तो समग्रता के साथ होना चाहिए। विकास सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और हमने यही तय किया है। जहां एक ओर हम लोग फिरोजाबाद की पहचान, यहां के कांच के उद्योग को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की रियायत देने के लिए सरकार ने इसे अपनी कार्य योजना का हिस्सा बनाया है। साथ साथ आलू उत्पादक किसानों के लिए भी कोई अंतरराष्ट्रीय केंद्र अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा के आसपास कहीं पर बने। हमने पेरू में जो इंटरनेशनल सेंटर है कोटेबाबा, उनके साथ हमारी बातचीत हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र यहाँ के आलू उत्पादक किसानों के लिए ऐसा अंतरराष्ट्रीय केंद्र विकसित करें जहां पर आलू उत्पादक किसानों को हम नई रियायत के साथ उसके जीवन में खुशहाली लाने की नई कार्य योजना आगे बढ़ा सके। सरकारें 1947 से देश में हैं, लेकिन कभी भी गरीब को 5,00,000 रुपए तक की स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध हो सके इसके लिए किसी सरकार ने नहीं सुना। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को ये व्यवस्था दे दी गई है कि उन्हें आयुष्मान भारत के अंदर 5,00,000 रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें से 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग बच गए थे, 56,00,000 लोग बच गए थे, उनके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक योजना लागू की है और ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी ये गोल्डन कार्ड उन लोगों तक पहुंचाना, 5,00,000 की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए पैनल हॉस्पिटल में उन्हें ये सुविधा उपलब्ध हो सके, ये सुविधा भी हम उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विगत 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने लागू किए। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, ये नौकरी सीमित हो जाती थी कुछ चंद परिवारों में, एक प्रकार विशेष के लोग, कोई भी सपा हो, बसपा हो, कोई भी सरकार आती थी ये केवल परिवार के बारे में सोचती थी, इस बृहद परिवार के बारे में नहीं, इस जनता जनार्दन के बारे में, प्रदेश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचती थी। विगत 2.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 2,25,000 से अधिक सरकारी नौकरी प्रदेश के नौजवानों को दी और अभी 2,00,000 नई नौकरियां और लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जिन 2,00,000 नई नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ नौकरी देने की कार्रवाई करने का निर्णय सरकार ली है और इस कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जब प्रदेश में हम लोगों ने 21, 22, 23 जनवरी 2019 को वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। आगरा का एक अप्रवासी भारतीय मेरे पास आया था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया, वे आते आप मुझे ढूंढते हुए मुझे मिले और उन्होंने कहा कि साहब मैं तो आपसे मिलने के लिए बड़ा उतावला था। मैंने कहा बताइए क्या बात है।
उसने कहा साहब देखिए मैं इसलिए मिल रहा हूं कि मेरा परिवार आगरा में रहता है, मैं पिछले 40 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास करता हूं। जब कभी मैं घर आता था तो हमारे परिवार के जो मेरे भाई और अन्य लोग थे वे लोग बोलते थे कि भैया कुछ पैसा इकट्ठा करके रखना, क्योंकि ये मुन्ना बड़ा हो रहा है, किसी सरकारी नौकरी लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। इस बार जब मैं घर आया और मैं एक कह करके आया था कि जब मैं आऊंगा तो पैसा लेकर के आऊंगा, कहा इस बार जब मैं अपने गांव गया मैंने गांव में भैया से पूछा कि भैया कहां मुन्ना है, तो मैं पैसा देना चाहता हूं कि भर्ती हो जाए, तो भैया ने बताया कि मुन्ना तो पुलिस में भर्ती हो गया है, बिना पैसे के पुलिस की भर्ती होना आज से 2.5 वर्ष पहले एक सपना था, लेकिन आज प्रदेश का हर नौजवान शिक्षक भी बन रहा है, पुलिस में भर्ती भी हो रहा है, लेखपाल भी बन रहा है और हर एक सेवा में वो जाकर के अपने जीवन को उज्जवल बना करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उत्तर प्रदेश को दे रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में हमने आगामी 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माध्यम से जो भारी निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है, इस भारी निवेश को जो सुरक्षा का वातावरण चाहिए था वह सुरक्षा का वातावरण हमारी सरकार ने दिया, और सुरक्षा के वातावरण के बाद जो भारी निवेश प्रदेश के अंदर आ रहा है इसमें 20 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार हम इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ेगी, इस पूरी प्रक्रिया में आप सबका सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आवश्यक है, क्योंकि जब एक समान विचारधारा की सरकारें केंद्र और प्रदेश में होती हैं, उनकी विकास की सोच होती है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कार्य योजना होती है, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होती और उसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके सामने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब ने आपके सामने आकर के कि ये विकास की योजना बिना भेदभाव के आप लोगों को मिल सके, इसको लेकर के जहां व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, इन कार्य योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर सरकार आपके साथ में है, तो आप भी सरकार के इस अभियान के साथ जुड़कर किसी जन आंदोलन का स्वरूप दें। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 391 करोड़ की योजनाएं आपके बीच में आई हैं। इन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। इन योजनाओं को जो योजनाएं पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। जो योजनाएं अभी प्रारंभ होने जा रही हैं, उनके मानक की गुणवत्ता को बनाए रखने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के अंदर विकास, सुरक्षा, सुशासन का जो बेहतर माहौल बना है, इस पूरी प्रक्रिया के साथ आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ निरंतर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के